हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ऑटो नॉलेज टीवी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पल्सर ट्विंडिक्स 2021 न्यू अपडेट की। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के प्राइस की, ऑन रोड प्राइस, एक्सरूम प्राइस, न्यू अपडेट और मतलब लेटेस्ट जितने भी अपडेट हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पल्सर ट्विंडिक्स की। तो जो बाइक है ये हम लोग को प्रोवाइड कराई है कृष्णा मोटर्स कानपुर नरवल ने। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको फ्रंट में यहाँ पर लाइट ब्लैक वाइजर मिल जाएगा, उसके नीचे आपको 3D में यहाँ पर पल्सर की बैचिंग मिल जाएगी। यहाँ पर क्या कहते हैं 35 वाट का हैलोजन लैंप दिया गया है। और अब नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोप सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। और बात करें अगर इसके मिडगार्ड की, तो मिडगार्ड में आपको 3D में यहाँ पर मैट में क्या कहते हैं स्टीकर मिलेंगे और साइड में शाइनिंग स्टीकर मिलेंगे। और जो ये आपको ड्यूल टोन फिनिश मिडगार्ड मिलेगा, शाइनिंग ब्लैक और मैट ब्लैक। अगर हम इसके एलॉय व्हील की बात करें तो इसमें एलॉय व्हील जो दिए गए हैं वो ब्लैक दिए गए हैं, लेकिन इनमें शाइनिंग नहीं है, लेकिन एलॉय व्हील में भी स्टिकर लगाए गए हैं। और अगर हम बात करें इसकी डिस्क की, तो 240 mm की डिस्क है ABS सेंसर प्लेट के साथ में। और बात कर लें टायर के, तो टायर इसमें 90-90-17 के दिए गए हैं। और इसमें भी हम बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक की। तो गाइस, इसमें फ्यूल टैंक जो है वो 15 लीटर का दिया जाता है और इसमें टैंक पैड यूज़ किया जाता है, जैसे कि पल्सर की नॉर्मल बाइक्स में किया जाता है। बात करें अगर हम इसके मीटर की, तो गाइस जो मीटर है इसमें इस बार बहुत चेंज है। इसमें जो पेट्रोल वाली अब ये है, ये आपको स्लाइड में मिलेगी और इसमें एनालॉग डिजिटल दोनों ही मीटर देखने को मिलेंगे। क्लिप ऑन हैंडल बार जैसा कि पल्सर में आता है। गाइस, मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूँ। गाइस, जो बाइक है बहुत ही स्मूथ, मतलब कि एकदम स्मूथ लाइटली है, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। मतलब बहुत ही अमेजिंग बाइक है, मतलब इसका साउंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मतलब ये एक नए लुक में है। और अब अगर बात करें इसके हॉर्न की, तो गाइस इसका हॉर्न आप सुन सकते हैं, काफ़ी हैवी हॉर्न है। साइड मिरर की बात करें तो साइड मिरर आपको सिंपल देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं सीट पे, तो सीट स्पिल सीट मिलेंगी, ट्विंडिक्स में स्पिल सीट आती है। अगर बैक में आ जाएं तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का साइलेंसर देखने को मिलेगा। और अगर हम बैक में आ जाएं तो यहाँ पे 150 की बैचिंग की गई है स्टिकर में। और अगर बात करें क्या कहते हैं इसके इंडिकेटर की, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, बट यहाँ पे मतलब सिंपल है। और अगर हम इसके सारी गार्ड की बात करें, तो जो सारी गार्ड है ये मतलब कि लेडीज़ों के लिए उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं है, ये नॉर्मल है। और इसमें बैक में भी सस्पेंशन टेलीस्कोप सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। बात करें चैन गार्ड की, तो चैन गार्ड यहाँ पे सिंपल है, मतलब फुली कवर्ड नहीं है, जिससे कि आपका जो चैन का मेंटेनेंस है वो आपको जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा। और गाइस, बात कर लेते हैं अब इसके टायर की। तो जो बैक टायर है वो है, वो जिस बैक टायर है वो आप देख सकते हैं 120-80-17 का दिया गया है। और इसमें बैक में भी आपको क्या कहते हैं डिस्क देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ट्विन डिस्क बाइक है, तो बैक में आपको 240 mm की डिस्क देखने को मिलेगी ABS प्लेट सेंसर के साथ में। और यहाँ पे सिंगल ABS यूज़ किया गया है। और गाइस, अब आपको हम इसके इंजन के बारे में बता दें। यहाँ पर बजाज ने DTSI इंजन यूज़ किया है। इसमें 150 cc का इंजन होता है, 4-stroke 2-way ट्विन डिस्क BS4 कम्प्लीटली DTSI इंजन, 13.4 Nm 6000 RPM पे आपको 10.29 kV पर PS 8000 RPM पे आपको मिलती है यहाँ पर। और यहाँ पर जो मतलब कि इसकी आपको मैं गियर बता दूं, तो ये गियर जो है ये ट्विंडिक्स में जैसे पहले आता था सिंगल गियर ही दिए गए हैं। और आपको हम बाइक का साउंड तो सुना ही चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हैवी साउंड है इस बाइक का। और हॉर्न भी डबल हॉर्न यूज़ किया गया है, तो जो बाइक का साउंड हो जाता है हॉर्न का वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो गाइस, थैंक यू सो मच